देखो ये है थ्रोबैक, ये जो आप देख रहे हो ये काली कॉफी फ्रॉम गोरे हैंड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू और न्यू ब्लॉग। क्या हाल है? राधे राधे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। तो आज मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे मॉम डैड जो है वो बॉम्बे में है, तो हम उतना बढ़िया से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। प्रिया जो है वो आ गई है, वो सुनीता दी के घर पे, जहाँ पे मैं भी आज जा रहा हूँ सेलिब्रेट करने। बहुत टाइम के बाद मतलब हम सारे परिवार वाले मिल रहे हैं। मतलब सुनीता दी जो है वो मतलब मेरे ताऊजी की लड़की हैं। तो सुनीता दी, जीजू और उनके बच्चे और अंकित भैया, अंकित भैया जो है वो मेरे बीच वाले ताऊजी का लड़का है, और उनकी वाइफ मतलब मेरी भाभी और उनका बेटा नयन, तो सबसे मिलेंगे और सबसे राखी मनाएंगे। बड़े दिनों बाद ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। और प्रिया जो है वो भी वहाँ पहुँच गई है, फ्लाइट लेके उस तरह नहीं गया सुराखी सेलिब्रेट करने। चलो चलें, बस कपड़े नहीं है, क्या पहन के जाऊँ? दो दिन के कपड़े लेके आया था, मम्मी कह रही है शर्ट पहन के जा, शर्ट है नहीं, टी शर्ट पड़ी है। तू चलना, तू क्यों नहीं चल रही यार? फिर वो बोल रहे हैं मेरे को, जीजू भी बोल रहे हैं, अंकित भैया ने भी बोला है कि जसलीन आ जाएगी, जसलीन आ जाएगी। तेरे को क्या शर्म है? अबे शर्म नहीं है, अभी आपको पता है कि हम लोगों के क्या हालात हो रहे हैं, देखना जरा। तो वैसे भी तूने मेकअप से शीट कवर कर ही लेनी है। रौनक है सहज, वो आप 2 बजे से पहले उठने नहीं वाले, 2 बजे से पहले हमारी रक्षाबंधन होगी नहीं, आपकी तो वो आ जाएगी। अच्छा सुन, मैंने ना वो डीलरों को बोला कि भाई 5-6 5:30 के करीब मिल जाए, तो मैं फटाफट से वहाँ से सेलिब्रेट करके आ जाऊँगा। तब तक तू कोऑर्डिनेट कर लियो और फिर अपने डायरेक्ट वहीं बाहर ही मिलेंगे, ठीक है? रेडी तो हो जाओ। कॉफी गेटिंग रेडी बेब, यू नो व्हाट, आई लव सच मॉर्निंग्स व्हेन यू मेक कॉफी फॉर मी, द मोस्ट स्पेशल कॉफी। ऐसी कॉफी चाहे तुम वहाँ चले जाओ बरिस्ता चले जाओ, सलमान के घर के नीचे वाला जो कॉस्टा कॉफी चले जाओ बरिस्ता, वहाँ ना मज़ा आ रहा जो ये वाली कॉफ़ी पीने में आता है, काली कॉफ़ी फ्रॉम गोरे हैंड। चलते, इसने मुझे बोला कहते हैं कि घर ढूंढो पहले जाके, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा एक दिन में मिल जाएगा, किसी को टेंशन नहीं। बहुत चौड़ लाजी थी, एक दिन जैसी दिल्ली है ऐसे घर रुल रहे हैं, नए बन रहे हैं, हम रुल गए, घर नहीं रुल रहे। वाह यार, ऑटो में यार क्या बांधी को नहीं हो रहा है, 20 मिनट हो गए खड़े खड़े। ये है हमारे अंकित भैया, प्यार से आप इन्हें बोल सकते हैं अंकित या अंकित भाई, है ना? ब्लॉग में तो इज्जत देनी पड़ेगी। ये हमारा नयन, ओए नयन इधर आओ, इधर आओ, एक बार चाहती तो बोल दे इसमें। तो इससे रुका नहीं गया, ये कल की फ्लाइट पकड़ के आ गई थी दिल्ली, और अब जाके नहा के आई है, तब ले कह रही मेरे को ब्लॉग में तभी लेना जब मैं नहा के आऊंगी। अपनी बेटी कर रही है यूपीएससी करने वाली है, जी जो यूपीएससी की फुल फॉर्म बताओ मुझे नहीं। तुम बता दे भाई। नहीं भाई, बताओ तुम, बताओ भाभी, यूपी भाभी, यूपीएससी की फुल फॉर्म बताओ। बोला मैंने तो आर्ट्स किया है। पब्लिक सर्विस कमीशन। अब भाई मान दो, मेरा भी कौन बाटा सही बताए, कल बताए। कितनी आओ भगत हो रही है, खा ले काजू, पॉकेट में मत डालिए, 2-4 अखरोट जेब में डाल ले। तूने पहले 2 बच्चे यहाँ बिठा दिए, बोले पॉकेट में ना डाल ले कोई सा। देखो ये है थ्रोबैक, ये जो आप देख रहे हो ये प्रिया यार, पहले सुंदर थी तू, पहले कितनी आधुनिक टेक्निक से ये बनाते थे शादी की एल्बम, ये देखो वर वधु, ये देखो ये कड़े न्यूयॉर्क में खिंचवाई डी लगाया, तो ये देखो गमला का अंदर वर वधु, ये देखो कैमरा का अंदर वर लेंस में वधु फ्रेम में, वाव ये देखो दोनों टेरेस पे घूम रहे हैं, ये दोनों टेरेस पे घूम रहे हैं। कौन से स्टूडियो से बनाई थी? ताज स्टूडियो। अगर आपको भी अपनी ऐसी बनवानी है तो हांसी में जाके संपर्क करें। एक अनार 4 बीमार। क्या बात है, पूरे एक भी नहीं संभाली जा रही, आप 4-4 फोटो में ले रहे हो साथ साथ। ये इनकी शादी की एल्बम है, जीजू और दीदी। दीदी को अगर आप शादी की फोटो में देखो, ऐसे जबरदस्ती खड़ी कर रखी है। दीदी 42 kg की थी, आज देखो कितने केजी की है, 84 ऑलमोस्ट 67-68। ये कह रही है ये मैं वीडियो एल्बम में नहीं हूँ, ये भी यही सोच रहा है। ये वीडियो एल्बम है तब तुम हो। सुनीता, शगन जो होगा वो ऑनलाइन होगा, तो अपना पेटीएम QR कोड जो भी यहाँ के रख दो। अरे मैंने मजाक करा था, दोनों QR कोड खोल के खड़े हो गए। राजधानी एक्सप्रेस भाभी,
मेरे छोटी बहन है। पिछली रात की भी इसको मैंने मोबाइल गिफ्ट दिलाया था। मैं अगले दो साल तक मुझसे कुछ मत मांगी हो। अब 15 रुपए की लाई हूँ तो 15 रुपए दिला दूँ। तो सुनीता बाय बाय टाटा बाय भाभी बाय बाय अंकित बाय प्रणाम वासी। सब लोग आपको मिस कर रहे थे, बोले वो कहाँ गई गोल मटोल। वो जो लव कौन सा है भाई, वो कौन सा है वो जो लड्डू वाला यार, वो भीम में जो आती है आंटी, वो लड्डू वासी। भूमि क्या कर रही है, प्रिया के सर में दर्द हो रहा है क्या, सर दबा रही है। हमारे लिए स्पेशल मैगी बनाई है भूमि ने। ये देखो, ये भूमि ने राखी बांधी है ब्लू वाली। थैंक यू सो मच। मेरी बांधी है, प्रिया की बीच वाली। भूमि टेक केयर, बाय बाय मासी, बाय प्रिया। प्रिया अभी मेरे साथ नहीं जा रही है, प्रिया यहाँ सुनीता दीदी के रुकेगी थोड़े दिन और। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चला गया, इसने मुझे मैसेज लिखने चालू कर दिया, कहाँ हो कितनी देर में आओगे, मतलब ये मुझे बहुत निकल। ये सब तो बहाने थे, मिस कर रही थी मुझे तू, सब पता है मुझे। देखो ये मास्क जो है हम लोग मुंह छुपाने के लिए लगाते हैं, ये अपनी गर्दन रोकने के लिए लगाती है। आइसक्रीम खा लो गाइस। मतलब स्कूटी पे धक्के खा खा के हमारी ढुइया घिस गई हैं। लेकिन भैया मजा ले कि हमें फ्लैट मिल जाए। राखी बना के सीधा आया हूँ देखो भाग के। अब लोग अब सारे डीलरों को राखी कस्मे दे रहा हूँ। बहन का वास्ता है, घर दिला दो भाई। कॉफी की जवानी लाइफ में, कॉफी की जवानी लास्ट पीस, खोलो जवानी इसकी जरा। जसलीन मैं कॉफी की जवानी पी रहा हूँ, थक गए थे तो गन्ने का जूस पीने रुके हैं। मामा अगर शर्त लग जाए तो कितने ग्लास पी सकते हो ये बड़े वाले? डिपेंड करता है कि सामने है। आपसे एक ज्यादा पीऊंगा, लगा लो। डिपेंड करता है सामने है कौन और पैसे कितने मिल रहे हैं, शर्त कितने पैसे कितने नहीं, गन्ने का जूस मिल रहा है। पैसे दे रहा कौन? पैसे जसलीन देगी जो जीतेगा, मूवी दिखाएगी। और मामा और मेरे बीच में शर्त लग रही है कौन ज्यादा ग्लास पिएगा, ठीक है? सेहत के हिसाब से तो लग रहा है यही पिए, पहले ही घुटने टेक दिए इन्होंने। अभी तो आपका पेट दर्द था, आपको फूड पॉइजनिंग फील हो रही थी भैया के, तो मजे हो गए। भाई दो ग्लास और। अबे कोई शर्त नहीं है, आपको ऑलरेडी पेट में दर्द है। भैया रुक जा रुक जा।